बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है और ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आपको भी भूख लग गई है ना। जब भी मुंबई का नाम आता है एक आइकॉनिक डिश सभी को पता है और वो है मुंबई वड़ा पाव। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मुंबई से नहीं हैं, जब भी वो मुंबई विजिट करते हैं उनकी लिस्ट में ये डिश जरूर होती है। बारिश का मौसम एंड वड़ा पाव, दिस इज अ मैच मेड इन हेवन। जब मैं कॉलेज में थी दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फॉन्डेस्ट मेमोरीज एंड बारिश का सीजन का हम वेट करते थे ताकि वड़ा पाव का पूरी तरीके से मजा उठा सके। वेल ऑनेस्टली देखिए बारिश तो काफ़ी हो रही है और कई बार ऐसा होता है कि इतनी बारिश होती है मौसम काफ़ी अच्छा होता है लेकिन बाहर नहीं जा सकते। तो भाई बाहर नहीं जा सकते ये तो ठीक है, लेकिन घर पे ही अगर आप वड़ा पाव का मजा उठा सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। आज मैं आपको परफेक्ट वड़ा पाव बनाना सिखाऊंगी, इसी के साथ जो क्रिस्पी चूरा होता है वो भी सिखाऊंगी एंड जो वड़ा पाव की चटनी होती है बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वो भी हम बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, अब इस पे तड़का लगाएंगे। सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा राई, इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हींग, मोटर पेस्टल में अदरक लहसुन हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक को अच्छे से कूट लेना है। हमें इसे दरदरा सा रखना है। मुंबई वाले वड़ा पाव में ना खूब सारा लहसुन होता है और इस मसाला को डालेंगे अब हम तेल में। इसे बस आधे मिनट के लिए थोड़ा सा भून के इसमें डालेंगे हल्दी। देखिए वैसे मुंबई में तो कई सारे आइकॉनिक डेस्टिनेशंस है वड़ा पाव के लिए, लेकिन मेरे दो तीन फेवरेट है उसमें से एक है दादर में और वहाँ पे एक्चुअली एक कीर्ति कॉलेज वाला वड़ा पाव है जो काफ़ी आइकॉनिक है। उसमें चूरा डालते हैं और साथ ही साथ जो आलू का मसाला होता है ना उसको पूरी तरीके से मैश नहीं किया जाता, बीच बीच में थोड़े से आलू के पीसेस आते हैं एंड इट टेस्ट अमेजिंग। तो ये जो आलू के पीसेस वाली टिप है ना आप भी ट्राई करिएगा। हमने जो पैन में मसाला पकाया था इसमें डालेंगे आलू। आलू कम्प्लीटली मैश नहीं है, इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आलू को हल्का हल्का सा दबाना है ताकि जो बड़े बड़े पीसेस है वो थोड़े मैश हो जाए। लास्ट में जो चॉप किया हुआ धनिया है वो इस पे डाल लें और एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लें। वड़ा बनाने के लिए इस मिक्सचर को हमें ठंडा करना है। जो मुंबई का वड़ा पाव है वो बाकी के देश के वड़ा पाव से क्यों अलग है मैं आपको बताती हूँ। एक चीज है जो बेसन का बैटर है, जो बेसन का बैटर है ना तो वो बहुत ज़्यादा पतला होता है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक बैटर यूज़ करेंगे तो जो कोटिंग है वो बहुत थिक होगी, अगर कोटिंग थिक होगी तो वो क्रिस्पी नहीं होगा। और जो बेसन का बैटर जब हम बनाते हैं उसे हमें धीरे धीरे उसके अंदर पानी डालना है, उसे कॉन्स्टेंटली विस्क करना है ताकि कोई लम्स ना हो। साथ ही साथ अगर आप एक साथ पूरा पानी डाल देंगे तब तो जो बैटर है ना वो एकदम ही लंपी बनेगा और आप उसको स्मूथ नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करिए। काफ़ी लोग बैटर में सोडा डालते हैं लेकिन मैंने जितने स्ट्रीट वेंडर से पूछा है कोई भी सोडा नहीं डालता है, इसलिए सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। बेसन का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में लेना है बेसन, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे पानी, इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लंप ना हो। आप देख सकते हैं जो बैटर की कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। ये आलू का मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे आ गया है, इसे शेप करके एक बॉल बनाएंगे। हल्का सा इस वड़ा को आप फ्लैट भी कर सकते हैं ताकि वड़ा पाव फिल करने में ज्यादा आसान हो। अब इस आलू के मिक्सचर को हमें डिप करना है बेसन के बैटर में। हाथ से अगर आप करेंगे तो ज्यादा आसान होगा और गरम तेल में इसे डालना है। तेल ना तो बहुत ज्यादा गरम होना चाहिए ना बहुत ठंडा। थोड़ा सा कुक होने पे आप देखेंगे ये जो वड़ा है ये फ्लोट करने लगेगा। उसके बाद एक झारा यूज करके आप इसे अच्छे से कुक करें और फिर निकाल लें।
एक किचन पेपर पे से निकाल ले ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। अब ये जो बेसन का बैटर है इससे हम बनाएंगे चूरा। इसके लिए बैटर को ऐसे ही रैंडमली तेल में डाल ले, मीडियम आंच पे इसे फ्राई करें ताकि ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए और इसे भी निकाल ले। So, मुंबई का जो वड़ा पाव है वो अधूरा है विदाउट द मिर्ची। हरी मिर्च को फ्राई किया जाता है तेल में। अब हरी मिर्च को ऐसे ही तेल में मत डालिएगा, इसको हमें स्लिट करना है। अगर आप स्लिट नहीं करेंगे तो ये फट सकती है, इसलिए स्लिट करें, फ्राई करें, तेल से निकालें, हल्का सा नमक डालें और इंजॉय करें। जो वड़ा पाव की सूखी चटनी होती है, जो रेड कलर वाली गार्लिक वाली, वो बड़ी स्पेशल होती है। इसे बनाने के लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, जो काफ़ी लोग बताते नहीं है, वो ये है कि लहसुन वगैरह सारी चीज़ें जब आप फ्राई करते हैं, लहसुन और चूरा ही फ्राई करते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अगर लहसुन या फिर चूरा गर्म होगा और आप इसे पीस देंगे तो जो सूखी चटनी है वो गीली चटनी बन जाएगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में डाल के हमें दरदरा पीसना है, एकदम फाइन नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे प्रीसेट फंक्शन यूज किया है, इसे मैं कोर्सली ग्राइंड कर रही हूँ और ये वड़ा पाव की चटनी हो गई है तैयार। और अब फाइनली वड़ा पाव को असेंबल करेंगे। इसके लिए हमें यूज करना है लादी पाव। इसे बीच में से कट कर लें। इसके ऊपर लगाएंगे पहले तो हरी चटनी। ये बेसिक सी हरी चटनी है जो घर में हम अक्सर बनाते हैं। दोनों साइड पे चटनी हमें अच्छे से लगानी है। मीठी चटनी लगाना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो लगाएं, अगर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। खूब सारा लगाएंगे इसके ऊपर ये लहसुन वाली चटनी। एक्स्ट्रा क्रंच के लिए इसमें चूरा डालें और वड़ा रख लें। मिर्ची के साथ आप इसे सर्व करें और ये हो गया है रेडी। देखो, वड़ा पाव तो हमारे देश में कई जगह पे मिल रहा है, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, लेकिन मुंबई जैसा वड़ा पाव ना कोई नहीं बना सकता। लेकिन आप बना सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको और आपकी फैमिली को काफी पसंद आने वाली है। तो भाई, बारिश अभी हो रही है, बारिश का पूरा मजा उठाएं और वड़ा पाव का भी मजा उठाएं। इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका बारिश वाला कौन सा फेवरेट स्नैक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, डू हिट द लाइक बटन, इस वीडियो को शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।